गर्मियों का सीज़न चालू हो चुका है और इस सीज़न में हम सब एक बार तो वाटर पार्क एंजॉय करने के लिए जाते ही हैं, लेकिन वहाँ का जो क्लोरीन का पानी होता है और जो धूप आती है उसके कारण हमारी स्किन और हेयर दोनों भी डैमेज हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनाली बांदल, डॉक्टर सोनालीज व्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वाटर पार्क में जाने से पहले कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और वाटर पार्क से आने के बाद कौन से स्टेप फॉलो करने हैं जिससे कि हमारे स्किन और हेयर कम से कम डैमेज हो। जिस दिन आप वाटर पार्क के लिए जाने वाले हो उस दिन सुबह नहाने के बाद आपको अपने पूरे बॉडी पे थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देना है। जब आप पानी में एंट्री करने वाले हो तब 10 मिनट पहले आपको थिक लेयर ऑफ सनस्क्रीन लोशन पूरे बॉडी पे अप्लाई करनी है। 10 मिनट में सनस्क्रीन लोशन पूरे बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है और उसके बाद आप पानी में एंट्री कर सकते हो। सनस्क्रीन लोशन वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए और SPF 50 और PA++ होना चाहिए। इस टाइप का सनस्क्रीन लोशन आपके स्किन को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगा। हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए पानी में जाने से पहले कंडीशनर की एक लेयर अपने हेयर पे अप्लाई कर दीजिए, इससे आपके हेयर कम से कम डैमेज होंगे। अगर आप दिन भर पानी में रहने वाले हो तो हर 2 घंटे बाद पानी में बाहर आकर आपको सनस्क्रीन लोशन की थिक लेयर स्किन पे अप्लाई करनी है और उसके बाद 10 मिनट आपको वेट करना है और उसके बाद ही आपको फिर से पानी में जाना है। इससे आपकी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेगी। जब फाइनली आप पानी से बाहर आओगे तो आपको इमिजिएटली शॉवर लेना है। पानी से आने के बाद जितनी देर आप क्लोरीन का पानी अपने बॉडी पे छोड़ दोगे, मतलब कि आप जितनी देर बाद शॉवर लोगे उतनी ज़्यादा स्किन और हेयर आपके डैमेज होगे। शॉवर के लिए आपको मॉइस्चराइजिंग सोप या शॉवर जेल यूज़ करना है और हेयर को गुड शैम्पू और कंडीशनर से वॉश करना है। नहाने के बाद आपको थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर पूरे बॉडी पे अप्लाई करना है। उसके 10 मिनट बाद आपको थिक लेयर ऑफ सनस्क्रीन लोशन भी अप्लाई करना है और इस स्टेप को आपको अगले 15 दिन तक फॉलो करना है। इन दिनों आपको अपने बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, मतलब कि पानी सही मात्रा में पीना है, से आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगी। अगर हाइड्रेशन मेंटेन नहीं हुआ तो स्किन ड्राई होकर ब्रेकआउट हो जाएगी। अगर स्किन टैनिंग ज़्यादा हुई हो तो उसको रिकवर करने के लिए आप विटामिन सी और ग्लूटेथियॉन की टैबलेट्स ओरली खा सकते हैं और इसे आपको 1 महीने तक कंटिन्यू करना है। आपके स्किन में जलन हो रही है तो रात को सोते समय आप एलोवेरा जेल अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं और हेयर पे ऑयल अप्लाई करें, इससे हेयर का ड्राइनेस कम होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना। थैंक यू।